न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वेदुला मैत्रेय त्रिपाठी और सुबह के 8 बजने वाले हैं और राजधानी दिल्ली में ऑड इवन फॉर्मूला लागू हो चुका है। आज सिर्फ ऑड नंबर की गाड़ियां चलेंगी। अगर आपके कार का नंबर 1, 3, 5, 7 और 9 है तभी आप अपनी कार लेकर सड़क पर निकले। हालांकि सीएनजी कार वालों को नियम से छूट है। अकेली कार चलाने वाली महिलाएं भी इस नियम से बाहर मानी जाएंगी। आज पहला दिन है, आज से ही ये नया नियम लागू होगा, इसलिए ये हर दिल्ली में रहने वाले व्यक्ति के लिए चुनौती है, सरकार के लिए चुनौती और खासकर पुलिस के लिए भी ये बड़ी चुनौती है। हमारे संवाददाता हर जगह मौजूद हैं दिल्ली में, जो बताएंगे आपको लगातार कि ये नया नियम किस तरह से सड़कों पर लागू किया जा रहा है और सरकार ने नागरिकों के लिए क्या विकल्प तैयार किए हैं। हमारे साथ हमारे 4 रिपोर्टर्स लगातार बने हुए हैं। हमारे साथ रजनीश हैं, कश्मीरी गेट से हमारे साथ बने हुए हैं। अफसर आलम हैं, जो आनंद विहार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और खासकर हमारे साथ शिवानी त्यागी आईटीओ से हैं और अजीत श्रीवास्तव हमारे साथ केजरीवाल के घर के बाहर से हैं। सबसे पहले शिवानी से पूछते हैं, आईटीओ जो कि बहुत ही चहल पहल वाला चौक माना जाता है, यहां से सबसे पहले जायजा सुनते हैं, क्या लिया है शिवानी ने, कैसी तैयारी नजर आ रही है, 8 बज चुके हैं। जी बिल्कुल, यहाँ देखिए 8 बज चुके हैं, यहाँ आप सड़कों का नजारा देख सकते हैं, बसेस आ रही हैं, साथ ही साथ जो प्राइवेट बसेस हायर की गई थी वो भी आ रही हैं। लगातार यही कोशिश की जा रही है कि कंजेशन ना हो, जो यात्री यहाँ बस स्टैंड पे खड़े उन्हें किसी तरीके की दिक्कतें ना हो। जो लंबे रूट की बसेस हैं उनमें खासी भीड़ भी देखी गई है, वहीं यहाँ पे एहतियात यही बरता जा रहा है कि किसी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। और साथ ही साथ जगह जगह पे जो सिविल डिफेंस के लोग हैं वो थोड़ा दूरी पे लगाए गए हैं जिससे कि ट्रैफिक को मूव किया जा सके। वहीं अगर हम बात करें, पहला दिन है साल का तो यहाँ पे धीरे धीरे ट्रैफिक भी बढ़ेगा, आने जैसे जैसे समय बढ़ेगा तो यहाँ के हालात देखने में और समझ में आएगा कि आखिरकार जो ऑड इवन का जो फॉर्मूला है वो कितना सफल राजधानी दिल्ली में या दिल्ली वासियों ने बनाया है। बिल्कुल, तो अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे लोग अपने दफ्तर के लिए निकलेंगे, जैसे जैसे भीड़ बढ़ेगी सड़क पर, वैसे वैसे पता चलेगा कि आज नया फॉर्मूला जो है वो कितने कारगर तरीके से ट्रांसफॉर्म हो रहा है। चलते हैं अजीत के पास। अरविंद केजरीवाल आज कार पूलिंग करेंगे, वो अपने मंत्रियों के साथ एक गाड़ी में जाएंगे। आज ऑड नंबर की गाड़ी बाहर निकल सकती है, इसलिए वो शायद ऑड नंबर की गाड़ी लेकर निकलेंगे, ये दिखाने के लिए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री भी इस नियम का पालन कर रहे हैं, इसलिए जाहिर है संदेश है कि आम नागरिक भी इसको फॉलो करें। अजीत के पास चलते हैं। अजीत, कैसे इंतजाम नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब 8 बज चुके हैं। बिल्कुल साफ तौर पर है मैत्री, इसमें इंतजाम नहीं, ये पहले से तयशुदा कार्यक्रम है। अरविंद केजरीवाल खुद अपनी गाड़ी में होंगे और उनके साथ दोनों अहम मंत्री यानी सत्येंद्र जैन और गोपाल राय, जो जिनके पर पूरा कारोबार है इवन आउट को लेकर, वो दोनों मंत्री उनके साथ होंगे और 10 बजे तकरीबन वो सचिवालय तक के लिए रवाना होंगे। ये पूरी प्लानिंग कर दी गई। लेकिन अगर वहीं पूरी अगर कार्यप्रणाली की बात करें, बसेस की बात करें या रूट की मैपिंग की बात करें, तो सत्येंद्र जैन ने खुद इंडियन न्यूज से खास बातचीत में कहा था करीबन 400 किलोमीटर तक की पूरी रोड को हमने रोड के लिए लाइन बना दी है, बस लेन पूरी तरह से खींच दिया है। अगर 400 अगर बने तो 800 दोनों तरफ से का रास्ता हम करें, दोनों तरफ से हमने बस लेन की मार्किंग करी है। हर जगह पर चप्पे चप्पे में पोस्टर लगा दिया गया है कि बस लेन में कोई भी प्राइवेट गाड़ी यानी कोई भी ऐसी गाड़ी खड़ी ना हो जिसमें बस वालों को कोई असुविधा हो। साथ ही साथ बस जो उतारी गई है वो 3010 बसेस को जो उतारा गया है, साथ में ऑटो वाले जो हैं वो तकरीबन जो 82,000 चलते थे उसमें से केवल 62,000 ही केवल ऑटो वाले होंगे। सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि जहां 10,000 ऑटो उतारने वाले थे सरकार वो नहीं उतार पाई, क्योंकि बीच में परमिट घोटाले को लेकर कई परमिट कैंसिल भी कर दिए गए थे। तो कहीं ना कहीं असुविधा का पहले ही संकेत गोपाल राय जो परिवहन मंत्री वो दे चुके हैं। लेकिन अब देखने वाली बात होगी, आज तो उतनी भीड़ नहीं होगी जहां तक अनुमान है, क्योंकि आज न्यू ईयर है, न्यू ईयर में कल जिस तरह से शराबोर लोग हुए मस्ती किए, तो उस हिसाब से अब धीरे धीरे देखना होगा कि किस तरह से। बिल्कुल, आज थोड़ी कम भीड़ होगी, बच्चों की छुट्टी है, स्कूल बंद है, साथ ही साथ अधिकांश लोगों के ऑफिस बंद होंगे, नए साल का मौका है, इसलिए बहुत बड़ी शायद चुनौती थोड़ी सरकार की कम हो जाए, लेकिन चुनौती तो है ही। और जैसा उन्होंने बताया 10,000 ऑटो उतारे जाने वाले थे, स्पेशल ऑटोज जिनको परमिट जारी करना था, लेकिन घोटाला सामने आ गया, इसलिए ये भी नहीं हो पाया, तो चुनौती और बड़ी हो गई।